दूसरा मृत्यु। दो बात हमेशा हृदय में रहना चाहिए, दो बातन को ध्यान रख, दो बातन को ध्यान रख, जो चाहत कल्याण नारायण को मौत को दूजे हरि का नाम। ये दो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि अगर हम यहां आए हैं तो मुझे जाना है, लेकिन जाने के लिए मुझे रास्ते के में मुझे कोई कष्ट न हो, ऐसा सुंदर कर्म कर चले कि पछताना न पड़े। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा आप कर्म किया है वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी, ये भगवान ने कहा है गीता में भी और तुलसीदास जी ने भी कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान, सबसे पहले उन्होंने प्रधान लिखा कर्म को, और जो जस करही सो तस फल चाखा। कहा कि जैसा आपने कर्म किया है वैसे फल की प्राप्ति आपकी होगी। बीजा पेड़ बबूल का तो आप कहां से हो, इसलिए हमने जो बोया है मुझे काटना है, इसलिए हम ऐसे बीज को बोए कि इससे जीवन में मुझे पछताना ना पड़े, अर्थात परमात्मा के घर पे मुझे जवाब देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैंने आपको सुंदर शरीर किस लिए दिया है, जब मां के गर्भ में जीव था तो परमात्मा ने उस सातवें महीने में जीव से पूछ लिया, हे जीव इस समय तू कहां है, हे जीव तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा तो हूं। जीव दो बातों में तो नहीं बोला, लेकिन जब 8 घंटे भजन करने के लिए कहा तो परमात्मा से जीव कहता है प्रभु अगर 8 घंटे भजन ना हो सके तो। भगवान मुस्कुराए, कहा दो में तो नहीं बोला भजन के लिए बोल था, हे जीव जा मैं 4 घंटे तुम्हें ओवर टाइम करने के लिए दे रहा हूं, 12 घंटे काम कर लेना लेकिन 4 घंटे मेरा ध्यान करना। जीव फिर प्रश्न किया प्रभु अगर 4 घंटे न कर सकूं तो। भगवान ने कहा 2 घंटे कर लेना। फिर कहा अगर 2 घंटे न कर सकूं तो भगवान ने अंत में कह दिया कि तुम 3 मिनट मेरा ध्यान रखना, ज्यादा समय नहीं, लेकिन 3 मिनट मेरा ध्यान तुम्हें कहां रखना है, जहां पर सत्संग होता हो। 3 घंटे वहां, 3 मिनट वहां ध्यान रखना जहां सत्संग होता हो, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उसकी आधी घड़ी 12 मिनट, उसकी आधी 6 और उसकी आधी 3। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। अगर मस्तक प्रातः काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही मां
भगवान उठते थे। सबसे पहले श्री माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तथा पिता श्री दशरथ जी, फिर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर छोटे वीर राजेश सूद जी गुरु साहब वालों बख्शिश की श्वासों रूपी पूंजी संपूर्ण करते हुए गुरु चरणों में जा बराती है। गुरु प्यारे बेनती करा, संसारक तौर पर देखदा तो यह लगता कि एक लाइन टुट गई। आ लाइन कई बार रेलवे स्टेशन पर, कई बार सिनेमाघर, कई सज्जन लाइन तोड़ते हैं तो अगे जाके टिकट लैन का यतन करते हैं, पर गुरु प्यारे उत्थे पहला तो लाइन में खड़े सज्जन अगे जाने वाले को आवाज़ मारते हैं, तो आवाज़ आती है कि भाई साहब असी तुहाडे तो पहला लाइन में खड़े हैं, पहला वारी साड़ी है। तो गुरु प्यारे अगे जाने वाला सज्जन आवाज़ सुनता है, मजबूरी बस पिछे है कि लाइन में खड़ता है तो वारी की उड़ीक करता है। पर गुरु प्यारे इतने सदन वाला डाढ़ा है, जोरावर है, इतों तक शायद संसार की पहुँच नहीं। बेनती करा कि छोटे वीर चले गए, पर विछोड़े का दुख कैसा, विछोड़े का ना कैसा है। जदों मैं घरों तुरया तो मैं संसार के कुल तराजू, कुल पैमानिया ते ख्यालों में निगाह मार के देखी कि शायद कोई तराजू, शायद कोई पैमाना इस विछोड़े के दुख को नाप के या तोल के दस सकता होए। गुरु प्यारियो कुल संसार विच देखिया, कुल संसार विच किते कोई ऐसा पैमाना नज़र नहीं आता, कोई ऐसा तराजू दिसिया नहीं जिहड़ा इस दुख के इस विछोड़े के बोझ को नाप के ते तोल के दस सके। ओम सहस्रेखा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रवालसा भूमि गंग सर्वल इष्टिका तिष्ट सांगुलं पुरुषयवेगं वंशर्यद्भुतं यत्भाव्यं उदाकृतस्यानो यदन्नेनातुरोहति। ओम एता वानस्मै मातो ज्ञानं समूर्खा हर्णकुले आपादो अश्विश्वा भूतां त्रिबालसंप्रितं त्रिबालो धैमुदयकोलगा पादो स्याः भवत्पुनः ततो विश्वङ्गवेकमशासनासनेयभि। ॐ हरि ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सभी खड़े होकर के आरती करेंगे। संकट दास जनों के अब गुण बरसे वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, मैं शरण पड़ूं
ਪੂਜਾ ਆਸ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੀ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੀ ਤੁਮ ਪੂ ਸਵਾਮੀ ਤੁਮ ਰੱਖਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਖਲ ਕਾਮੀ ਮੈਂ ਸੇ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚੰਦ್ਰ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਪਦ್ಯ ਆਪ ਰਾਮ ਬਹਰਤਾਰਮ ਦਾਤਾਰਮ ਸਰਸੰਪਦਾ ਲੋਕਾਭਿਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਭੂਯੋ ਭੂਯੋ ਨਮਾਮ੍ಯਹಂ ਭਜਨਂ ਭਵਬੀਜਾਨਾਂ ਅਰ್ಜನಂ ਸੁਖਸੰਪਦਾਂ ਕਲ್ಯಾಣಂ ਯਂ ਦೂತಾನಾಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಗರ್ಜನಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತುಲ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ವರಾನಹೇ ಓಂ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ಸೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವಂ ಕೇದಾಸ್ ಜನಮ ಜನಮ ಮೋಹಿ ದೀಜೇ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ जब नैन हमारे बंद हुए फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या जीवन की बलिया सुख नहीं फिर अमृत आके बरसाया तो क्या। सौ सभा में आज समस्त भक्त वृंदगण भाई बहन तथा हमारी सभी माताएं आज हम सभी स्वर्गीय राजेश जी के शोक सभा में यहाँ पर पधारे हैं और उनकी अंतिम विदाई के लिए हम लोग
प्रभु के नाम का विदाई करते हुए अगर हम मेरे घर से कोई जाता है तो उसे विदाई के लिए कुछ देते हैं। इसलिए आज मेरे हम सभी उनके विदाई के लिए उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अंतिम विदाई करते हैं। अगर सभी भावना से और श्रद्धा के साथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव बेटी गोविंद दामोदर माधव बेटी बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत तारे तुम सामने हो देहांत तारे तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते गीत गाकर मैं तरनाथ त्यागूं यह गीत गाकर मैं तरनाथ त्यागूं गोविंद दामो दर माधव की गोविंद दामो दर माधव की
भद्राणि पश्यतु पुनर्ग्रामः पुनः पुनः शुभा शुभा कर्मं शरीरं न पुनः पुनः। कहा कि हे गरुण, भोगना पड़ता है और मृत्यु के पश्चात जो पुत्र अपने माता पिता के अंत्येष्टि क्रिया विधि विधान के साथ अगरुण पुराण का श्रवण करता है उसके माता पिता नरक में नहीं जाते और यावन सत्यं दुखम यामन्यां दिशाप। एक परमात्मा का नाम और दूसरा मृत्यु, दो बात हमेशा हृदय में रहना चाहिए। दो बातन को ध्यान रख, दो बातन को ध्यान रख, जो चाहत कल्याण नारायण को मौत को दूजे हरि का नाम। ये दो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि अगर हम यहां आए हैं तो मुझे जाना है, लेकिन जाने के लिए मुझे रास्ते के में मुझे कोई कष्ट न हो, ऐसा सुंदर कर्म कर चले कि पछताना न पड़े। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मम फलेषु कदाचन, जैसा आप कर्म किया है वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी, ये भगवान ने कहा है गीता में भी और तुलसीदास जी ने भी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान, सबसे पहले उन्होंने प्रधान लिखा कर्म को, और जो जस करही सो तस फल चाखा। कहा कि जैसा आपने कर्म किया है वैसे फल की प्राप्ति आपकी होगी। बीजा पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, इसलिए हमने जो बोया है मुझे काटना है, इसलिए हम ऐसे बीज को बोएं कि इससे जीवन में मुझे पछताना ना पड़े, अर्थात परमात्मा के घर पे मुझे जवाब देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैंने आपको सुंदर शरीर किस लिए दिया है, जब माँ के गर्भ में जीव था तो परमात्मा ने उस सातवें महीने में जीव से पूछ लिया, हे जीव इस समय तू कहाँ है, लेकिन फिर तुम बार बार इसी में आना चाहोगे। भगवान से वादा किया कि मैं अब इसमें नहीं आऊंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। परमात्मा ने कहा हे जीव अगर तू इसमें नहीं आना चाहता तो जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से श्रवण करना। तस्मिन् जगतं गंभीरे काल सागरे मृत्यु रोग जरा ज्ञानं कश्चिदं बुद्धते प्रतिक्षणं मया काला क्षीयमानो न लक्ष्यते आय कुम्भायाजस्तो विषेणं चापि दृष्टे मुच्यते विषदं वायु रागस्य जाखण्डनं अयमिति विद्यते। कहा ये जीव सुनो, जब इस गर्भ से तू बाहर जाएगा तो मृत्यु लोक में जब पहुंचेगा उस लोक में तो वहां के लोग वैभव के लेकर वहां के सुंदर कटाक्ष को देख करके क्या आएगा। कहा नहीं नारायण मुझे बतलाओ मैं नहीं भूलूंगा, भगवान का श्रवण करो। कहा मैंने 24 घंटे बनाया है रात दिन में,
और 24 घंटे में 8 घंटे में तुम्हें जीव तो मेरा हो जाएगा और मैं तेरा तो हूं। जीव दो बातों में तो नहीं बोला, लेकिन जब 8 घंटे भजन करने के लिए कहा तो परमात्मा से जीव कहता है, प्रभु अगर 8 घंटे भजन ना हो सके तो। भगवान मुस्कुराए, कहा दो मिनट नहीं बोला भजन के लिए, बोल उठा, हे जी क्या मैं 4 घंटे तुम्हें ओवर टाइम करने के लिए दे रहा हूं, 12 घंटे काम कर लेना लेकिन 4 घंटे मेरा ध्यान करना। जी फिर प्रश्न किया, प्रभु अगर 4 घंटे ना कर सकूं तो? भगवान ने कहा 2 घंटे कर लेना। फिर कहा अगर 2 घंटे ना कर सकूं तो? भगवान ने अंत में कह दिया कि तो 3 मिनट मेरा ध्यान रखना, ज्यादा समय नहीं, लेकिन 3 मिनट मेरा ध्यान तुम्हें कहां रखना है? जहां पर सत्संग होता हो, 3 घंटे वहां, 3 मिनट वहां ध्यान रखना जहां सत्संग होता हो, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उसकी आधी घड़ी 12 मिनट, उसकी आधी 6 और उसकी आधी 3, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। अगर जाएगा क्योंकि सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम सत्संग जरूर करना। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र के घर गए और विश्वामित्र के घर जाने पर वशिष्ठ कुछ दिन वहां रहे और जब चलने लगे वशिष्ठ जी तो विश्वामित्र जी ने कहा विदाई में क्या दूं, तो विदाई में उन्होंने अपने पूर्ण का आधा भाग उन्हें दे दिया, जितना पूर्ण उन्होंने किया था आधा भाग उन्होंने वशिष्ठ जी को दे दिया। कुछ समय बीता, विश्वामित्र भी वशिष्ठ के घर गए आश्रम में और आश्रम में जाने के बाद कुछ दिन रहने के बाद विश्वामित्र ने कहा गुरु भाई मैं भी अपने आश्रम को चलूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं क्या दूं अपने गुरु भाई को, उन्होंने जो सत्संग किया था उस सत्संग में से एक घड़ी उनको दान कर दिया। कहा मैंने तो आपको अपने जन्म जन्मांतर का किया हुआ आधा पूर्ण तुम्हें दे दिया और मुझे दोनों में थोड़ा सा बात बढ़ गई। नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 का नाम लेते हुए वहां नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी जैसे वहां आते हैं दोनों की बीच की वार्ता को श्रवण करते हैं और नारद जी
से सारी बात विश्वामित्र ने बतलाया। तो नारद जी अंकुर को नष्ट करने के लिए मुस्कुराते हुए तीनों आदमी से कहा, अभी मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, क्षीर सागर में बैठे हुए विष्णु जी हैं, उनसे आप जा करके आप ये बतला देना, ये आपकी बात को हल कर देंगे। तीनों आदमी विश्वामित्र वशिष्ठ और नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए और क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे, लेटे हुए थे। तीनों गए और वहां परमात्मा का स्तवन किया। कस्तूरी के कमल लाट पटले बच्छस्तरे कौस्तुभम नासाग्रहे परमोपिकम करतले बेरु करे कंकणम सर्वांगे हर चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने तीनों को बड़े भाव के साथ बैठाया और भगवान के सामने नारद जी ने दोनों की बात को प्रस्तुत किया, बतलाया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, आप लोग बैठो, थोड़ा समय दो मिनट के लिए, किसी जरूरी भक्त मुझे याद कर रहा है, मैं उस भक्त के पास जा रहा हूं, मैं आकर के आपका हल कर देता हूं। भगवान ने कहा, लेकिन मेरे ऊपर पृथ्वी विराजमान है और उस पृथ्वी को दो मिनट के लिए दोनों में से कोई उसे धारण कर ले, संभाल ले। विश्वामित्र की बारी आई। विश्वामित्र ने कहा, देव प्रभु मैं संभालता हूं। जैसे विश्वामित्र को पृथ्वी का भार देने लगे, वैसे पृथ्वी टकमगाने लगी, अर्थात विश्वामित्र से पृथ्वी नहीं संभल पाई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी का समय आया। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान का ध्यान करते हुए सत्संग के प्रभाव से उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया। जब पृथ्वी को धारण कर लिया तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, आपने देख लिया सत्संग में कितनी बड़ी ताकत होती है, सत्संग में इतनी बड़ी ताकत होती है कि सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जीवन में अगर आपको सत्संग करना है तो ये जीवन निर्विघ्न पूर्वे सर्व कार्य सर्वदा, इस जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती और सत्य के संग से जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए दुख मूलम संसारम च यस्यारस्य दुखितः तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः आश्रम सर्व पापानां संसारं वद एकक्षणात् लोहदारुमयं पाशे पुन्ना बद्धो विमुच्यते पुत्रदारा सय्य पाशे तुच्छ कदाचनः
यावत कुलेन जंतु उर्म संविधानम पदह प्रिया। संसार में हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, इस संसार में ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। लेकर जाने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, परमात्मा का नाम और सुंदर कर्म। दूसरों का ही यही हमारे साथ जाता है। धन तो घर से साथ छोड़ देता है, परिवार के लोग संसार से साथ छोड़ देते हैं। साथ में मेरे क्या जाएगा? मेरा किया हुआ कर्म और मेरा किया हुआ धर्म। तिल पंडिताहारम सत्यम बर्बासिता जम्बु खाद मृगा जैसे ताप संते भवंति किम आजन्म मरणम पंत्यम गंगा आदि तट निहिष्टता मंडुकम पैतुकम यवन बते प्रदभवम। मोक्ष कारण साक्षात ज्ञानम खगेश्वर खर दर्श महाकूपे पतिता पार्श्वा सदा। इसलिए हम लोगों को परम कर्तव्य है क्या जब आग लग जाएगी तब कुआं खोदा जाएगा, वो कुआं खोदने से क्या फायदा? क्या फायदा जब पूरा घर ही जल जाए। इसलिए यह मृत्यु कब आ जाए इसको नहीं, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए मृत्यु के पहले अर्थात जितना ज्यादा हो सके इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए उस परमात्मा का चिंतन करते रहें, और उस परमात्मा के चिंतन के लिए परमात्मा के साथ हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस एक ही चीज परमात्मा के हाथ में है। किसी को मारना है किसी को जिलाना है यही परमात्मा के हाथ में है। छह चीज परमात्मा ने अपने हाथ में लेकर रखा है। इसलिए कर्म से माफले सदा जन्म अपने सुंदर कर्म को करो, फल तो तुम्हें प्राप्त होगा ही। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और जैसा आपने बीज बोएंगे वैसा पौधा उत्पन्न होगा। इसलिए दो बात को हमें याद रखना है, एक मौत को दूसरे परमात्मा के नाम को। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ हो टुकड़ा तेरा ले मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी होगी सोने बास होगा का टुकड़ा तेरा ली।
जाए गजब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा अगर दो चार कफन डाल देते हैं तो वहां का जो जमादार है वो उठा लेता है। इसलिए हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, यहां से हम क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे अगर परमात्मा ने सुंदर तन दिया है तो जाने के बाद ये सोचना करना पड़े कि मैंने सुंदर तन पाया था उसके बदले में मुझे नरक यातना भोगना पड़ रहा है। पर जाने के लिए अनेक बुरे कर्म है, किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ ठगी करना, किसी का अपहरण कर लेना, किसी को दुख देना, किस अनेक प्रकार बुरे कर्म हम क्यों करें। बुरे कर्मों के द्वारा जब उनको नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो बदला छोड़ दिए, नहीं कितने बड़े डाकू थे। इसलिए सत्संग के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते, करने के बाद जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक कार्य को पूर्ण कर नहीं सकते। किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए उस पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जैसे मंदिर और गुरुद्वारे में हम जाते हैं मस्तक से मस्तक प्रणाम करना चाहिए, मस्तक से प्रातः काल उठ गई रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान उठते थे सबसे पहले श्री मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तथा पिता श्री दशरथ जी, फिर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर छोटे वीर राजेश सूद जी गुरु साहब वालों बख्शिश की स्वासन रूपी पूंजी संपूर्ण करते हुए गुरु चरणा विच जाप रहा जी। गुरु प्यारे बेनती करा, संसारक तौर पर देखदा तो यह लगता कि एक लाइन टुट गई। आ लाइन कई बार रेलवे स्टेशन पर कई बार सिनेमाघर कई सज्जन लाइन तोड़ते हैं तो अगे जाके टिकट लैन का यतन करते हैं, पर गुरु प्यारे उत्थे पहला तो लाइन में खड़े सज्जन अगे जाने वाले को आवाज़ मारते हैं तो आवाज़ आती है कि भाई साहब असी तुहाडे तो पहला लाइन में खड़े हाँ, पहला वारी साड़ी है। तो गुरु प्यारे अगे जाने वाला सज्जन आवाज़ सुनता है मजबूरी बस पिछे आ के लाइन में खड़ा है तो वारी की उड़ीक करता है, पर गुरु प्यारे इतने सदन वाला डाढ़ा है जोरावर है। इतों तक शायद संसार की पहुँच नहीं। बेनती करा कि छोटे वीर चले गए पर विछोड़े का दुख कैसा, विछोड़े का ना कैसा है। जब मैं घरों तुरया तो मैं संसार के कुल तराजू कुल पैमानिया के ख्यालों में निगाह मार के देखी कि शायद कोई तराजू शायद कोई पैमाना इस विछोड़े के दुख नाप के या तोल के दस सकता होए।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰਾਜੂ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ॐ सहस्रेखा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रवालसा भूमि गंग सर्वल इष्टिता तिष्ठ सांगुलं पुरुषय वेगं वंसर्यद्भुतं यत्भाव्यम् उदाकृतस्यानो यदन्नेनातुरोहति। ॐ एता वानस्मै मातो ज्ञानं समूर्खा हर्णकुले परिवार के सभी सदस्य गण आरती करते हुए दूसरे को पकड़ाते जाएंगे सभी। ओके संकट दास जनों के अब गुण बरसे वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम है जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्णयामी स्वामी तुम अंतर्यामी। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवयो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये प्रिय गोचर सबके प्राण पति। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर
सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो प्रसाद नहीं पाए प्रसाद जरूर पाएंगे।
और जो प्रसाद पा चुके हैं वे चाय जरूर पी के जाएंगे। सभी आए हुए भक्तों से अनुरोध है कि चाय और प्रसाद जरूर पा के जाएंगे। सबसे विनम्र प्रार्थना है, अगर थोड़ा समूह जुटा करोगे तब उस परमात्मा के में जाकर उस आत्मा को शांति मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।